अस्सलाम वालेकुम गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल लैब के बारे में कि किस तरह से आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने मोबाइल में अपने यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए थंबनेल बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन जस्ट आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आप इजीली अपने मोबाइल में अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँचती रहें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आप पिक्सल ऐप को जो है वो बासानी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पिक्सल ऐप को भी कर लेते हैं ओपन। पिक्सल ऐप को हमने यहाँ पे कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद बैक चलते हैं। तो सबसे पहले आपने इस जगह पे क्लिक कर लेना। इस जगह पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज साइज़ में आके आपने कस्टम पेज जो मौजूद है इसको आपने कर देना है यूट्यूब थंबनेल पे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं थंबनेल के हवाले से, काफ़ी सारे रेशोज़ हैं, तो आपने इसको यूट्यूब थंबनेल पे करके ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से प्लस वाले साइन में आ जाना है, यहाँ से फ्रॉम गैलरी। ठीक है, आपने यहाँ पर वो पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है जिनके ऊपर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो ये पिक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतनी सी एक पिक्चर है, ठीक है, ये वेबसाइट है जिसपे है, ये अर्निंग के वाले से वेबसाइट है, तो इसका मैंने आज थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई। एक और हमने लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो ये आ गया इधर। ठीक है, इधर से हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, इधर से इसको यहाँ तक से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्निंग मैंने इस पर नहीं की, एक और अकाउंट है तो उस पर मैंने अर्निंग की है, इस पर मैंने अर्निंग नहीं की। तो ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो इस पर आपने अर्निंग कैसे करनी है ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाके मैंने अभी तक इस पर अर्निंग नहीं की, मेरे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे और काम ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहे हैं, तो इन साइड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी मेहनत नहीं, ये तो उस बंदे के लिए ठीक है जिसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमें और ही काम अल्लाह का शुक्र है और काफ़ी हैं जिनसे हमें अर्निंग हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गई हमारी वेबसाइट। अभी हमने ऊपर लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट पे आके इस जगह पे हमने टेक्स्ट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे हमने लिख लेना है बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि ऊपर हमने उर्दू में भी लिखना है। ठीक है, इसको हम ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है, या ये वाला या रेड दे देते हैं। ठीक है, ये देने के बाद फॉन्ट में आके इसको अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं जो इसको बोल्ड कर दे। ठीक है, यहाँ से स्टाइल में आके और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इस तरह बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉरी ये हमने करना है इसको टेक्स्ट पे, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ इस तरफ स्क्रॉल करके स्ट्रोक पे आके इसको स्ट्रोक दे देना है हल्का सा। ठीक है, ये हल्का सा 1% स्ट्रोक दे दिया। इसके बाद हम यहाँ से इसको शेडो दे देंगे, अगर देना चाहें आप तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे इसको शेडो दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, हमने इसको अभी हम जो है सॉरी ये शेडो दे दिया, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर आप इसका ब्लैक रखें, लेकिन ये दो चीज़ें आपने यहाँ से अनेबल कर देनी है। ठीक है, इसके बाद इसको आपने कम कर देना है इस तरह 3 से 4%, 3 से 4% इसको कर दिया है तो ये हो गया। ठीक है, इधर से हमने इसको ओके कर देना है, तो ये हमारा हेडर आ गया। इसके बाद हमने यहाँ ऊपर उर्दू लिखनी है। ठीक है, उर्दू लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इधर से हम आ जाएंगे, हमें उर्दू में भी लिखना है कि जी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घर बैठे। ठीक है, घर सामने घर भी बना दिया। ठीक है, घर घर बैठे इंटरनेट इस वेबसाइट से इस साइट से 1500 रोज़ाना कमाए, 1500 रोज़ाना। ठीक है, रोज़ाना हमें उर्दू भी नहीं लिखनी आती है, रोज़ाना कमाना सीखें, कमाना शुरू शुरू करें। ठीक है, पैसे इजी पैसा जायज कैश। ठीक है, इजी पैसा में हासिल करें।
में हासिल करें, ठीक है, हासिल करें, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाना है सबसे पहले फॉन्ट में, हम यहाँ पे फॉन्ट में आ गए हैं। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ से इसको कर देते हैं रिसेट। इसके बाद यहाँ से आ जाना है आपने लाइट स्पेसिंग में, इसकी स्पेस कम करनी है, ठीक है, स्पेस कम हो गई। उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह कर देना है, बैकग्राउंड दे देना ताकि हमें पता चले हमारा टैग कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको जो है वो कम करेंगे, ठीक है, इसको और छोटा सा थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डबल लाइन पर कर लेते हैं ताकि अच्छे से, इनको हम नीचे ले आते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऊपर। अब हम जो है वो इसको डबल लाइन में कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम हमारे पास अभी हल ये है कि इसका हम यहाँ से अब फिर फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉन्ट में ये जो है इजीली यहाँ पे नहीं आ सकेगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं इजी पैसा में, इसको टेक्स्ट बढ़ा देते हैं और पैसे इजी पैसा में हासिल करें, ये हो गया इधर से, ठीक हो गया। इसके बाद अभी हम आ गए हैं इसमें, ठीक है, बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ से इसको दोनों तरफ बढ़ा देंगे। इसके बाद इनकी ये जो स्पेसिंग है ना, इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसको पूरे ऊपर जो है इस जगह पर हमने इसको फिट करना है, तो ये स्पेसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया इधर से। इसके बाद ये इसके ये नीचे वाली जो इधर वाली चीज़ें हैं ना, ऊपर नीचे वाली, इसका जो बैकग्राउंड टेक्स्ट है इसको हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक इसको रख देते हैं, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं आप, इसके बाद यहाँ से आ जाना है पेंडिंग में। पेंडिंग में आने के बाद ये इसको इस तरफ कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सामने आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर नीचे वाली जो स्पेसिंग है इसको इस तरह हम कम कर देंगे, ठीक है जी, ये इस तरह हो गया, ठीक है। अभी इसको आप कलर चेंज करने चाहें तो कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। अभी हम यहाँ से कलर नीचे वाला टेक्स्ट का और कलर कर देते हैं, करें से हम जो इसको ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद हम यहाँ से स्ट्रोक में आकर इसको ब्लैक स्ट्रोक दे देंगे हल्का हल्का, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो अच्छा खासा जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से और भी चीज़ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आप इसके बारे में सीख जाएंगे। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद सेव आता इमेज पे क्लिक करके यहाँ से कस्टम अल्ट्रा हाई पे यहाँ सेव टू गैलरी आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, गाइज वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।